पिछले क्लास में हमने आप लोग को बताए थे फंडामेंटल में कीबोर्ड के बटन के बारे में। आज आप लोग को जानकारी मिलेगा कि कौन सा बटन से क्या काम करेंगे, कुछ बटन के बारे में आप लोग को जानकारी देंगे। सबसे पहला जो बटन है आपका स्पेस बार बटन है। कौन सा बटन है? स्पेस बार बटन। तो स्पेस बार बटन से हम क्या करेंगे कि दो शब्द के बीच में जो दूरी होता है, यानी दो शब्द बनाने के लिए, जैसे कि राम लिखे हैं, राम के बाद हमें कुमार लिखना है या कुछ भी लिखना है, तो इसके लिए स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार का यूज करेंगे। दूसरा है आपका बैक स्पेस बटन, जो ये बैक स्पेस बटन है, और ये बैक स्पेस बटन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वर्ड जो लिखे हुए हैं वो वर्ड को राइट से लेफ्ट की ओर हम बैक आ सकते हैं, यानी मिटा सकते हैं। इस बटन के द्वारा हम राइट से लेफ्ट की ओर मिटा सकते हैं, क्योंकि हम लोग लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट की ओर। इसके बाद है आपका इंटर बटन है। इंटर बटन ये बटन है, इस बटन से हम क्या कर सकते हैं, लाइन को चेंजिंग कर सकते हैं। कोई वर्ड लिख रहे हैं, मान लेते हैं एमएस वर्ड में या टाइपिंग कर रहे हैं आप, तो लाइन को चेंज करना है तो इंटर बटन का हम यूज करेंगे। इसके बाद है आपका कैप्स लॉक बटन। ये है कैप्स लॉक बटन। इस बटन के द्वारा हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर को ऑन और ऑफ करेंगे, यानी अगर कैपिटल में आपको लिखना है तो इसको दबा दीजिए, ये ऑन हो गया तो कैपिटल में लिखाएगा। अगर स्मॉल में लिखना है, इसी बटन को ऑफ कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल में लिखाना चालू हो जाएगा। अगर ये ऑन है तो यहाँ पर एक बल्ब चालू हो जाएगा, यहाँ पे बल्ब जलने लगेगा, ऑन रहेगा। ऑन रहेगा इसका मतलब कैपिटल लिखाएगा, ऑफ रहेगा इसका मतलब स्मॉल लिखाएगा। तो इस बटन से हम क्या करेंगे, कैप्स लॉक को ऑन और ऑफ करके कैपिटल और स्मॉल में लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका नाम लॉक बटन। यहाँ है नाम लॉक बटन। ये नाम लॉक बटन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नंबर की को चालू और बंद कर सकते हैं। ये जो नंबर की है इसको हम क्या करेंगे, अगर लिखा नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको दबा देंगे, ये नाम लॉक जो हो गया ये बंद हो जाएगा। अगर ये बंद है इसका मतलब नहीं लिखाएगा ये नंबर, अगर चालू है तो लिखाएगा, चालू है तो यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा बल्ब जलेगा। इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं, यानी आप चालू कर सकते हैं नंबर की को, ये कर सकते हैं ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगला बटन है जैसे कि आपका प्रिंट स्क्रीन बटन। इससे हम क्या करेंगे, जो आप स्क्रीन कंप्यूटर पे जो स्क्रीन है, जो भी है, जो भी फाइल खुले हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और स्क्रीन शॉट लेने के बाद हम चाहे जहाँ पर भी उसको डालना चाहते हैं, एमएस वर्ड में ले जाना चाहते हैं, एमएस पेंट में ले जाना चाहते हैं, जहाँ भी वो स्क्रीन शॉट को ले जाना चाहते हैं, वहाँ पर जा कर के हम कंट्रोल के साथ भी दबा देंगे, यानी पेस्ट कर देंगे, तो आपका जो स्क्रीन है स्क्रीन शॉट चला जाएगा आपके एमएस वर्ड में। इसके बाद है आपका अल्ट कंट्रोल शिफ्ट। ये तीनों बटन अलग अलग हैं। ये अल्ट कंट्रोल शिफ्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, इसका हम ज़्यादातर शॉर्टकट में यूज करते हैं, जैसे कि कंट्रोल के साथ अगर एस दबाते हैं तो सेव का ऑप्शन आता है, कंट्रोल के साथ ए दबाते हैं तो ऑल सेलेक्ट आता है, अल्ट के साथ F4 दबाते हैं तो क्लोज करेंट चैप्टर, यानी जिस चैप्टर में हम काम कर रहे हैं वो चैप्टर क्या होता है, बंद होता है। या कंप्यूटर को शॉट डाउन करना है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अल्ट के साथ F4 बटन दबा करके, अल्ट को दबा के रखेंगे और तब F4 दबाएंगे, ये नहीं कि अल्ट को दबा दिया F4 दबाएंगे तब जा करके यूज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्ट के साथ F4 को दबाना है तब जाकर क्या होगा, आपका सिस्टम शॉट डाउन होगा, और शॉट डाउन पे करके आप ये कर सकते हैं। अगला बटन के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि कौन बटन से क्या काम करेंगे, तो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए जो आगे जाए, और बच्चे को DCA में अगला चौथा पांचवा पार्ट जो बनाएंगे उसमें सभी कीबोर्ड के बारे में बारी बारी से और जानकारी दिया जाएगा।